सुप्रभातम्, नमो नमः सर्वे छात्राः। अद्य दिने वयं सर्वे जनाः विद्यालयस्य खेल दिवसः भाग एक पठिष्यामः। बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। नया पाठ कौन सा? पाठ नंबर दो। पाठ नंबर दो, उसका नाम क्या है? विद्यालयस्य खेल दिवसः। सबसे पहले हम देखेंगे विद्यालयस्य। इस विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी एकवचन। क्यों? क्योंकि इसमें लगा हुआ है सिय। सिय क्या होता है? मैंने आपको देव शब्द सिखाया। देव शब्द में मैंने शॉर्ट फॉर्म बताए थे। पहले देव शब्द है एकवचन, फिर म न य त सिय। तो ये सिय है षष्ठी एकवचन। इसका चिन्ह है का की के रारी रे। ठीक है, संबंध कारक है ये। तो यहाँ पे विद्यालय से खेल दिवस, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ? विद्यालय का। ठीक है, खेल दिवस हो आपका स्पोर्ट डे, विद्यालय का खेल दिवस। और इसका भाग एक पढ़ेंगे हम। गलतीवश भाग दो चला गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। संयुक्त शब्द भी इसमें आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये लंग लकार है। इस पूरे पाठ में विद्यालय से खेल दिवस में जगह जगह पर क्रियापदों में लंग लकार आया है। लंग लकार, लकार माने टेंस, और ये टेंस और लंग लकार माने भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं लंग लकारे पत्र लेखनम। पत्र लेखनम माने पत्र लिखा गया है। कौन से टेंस में? लंग लकार में, है ना। हम पत्र भी लिखते हैं, तो जो हमारे यहाँ घट चुका है उसकी जानकारी देने के लिए हम पत्र लिखते थे। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो एक दूसरे के माध्यम से या फिर एक दूसरे को पत्र लिखने के माध्यम से ही बातचीत हुआ करती थी। तो इसी तरह इस पाठ में विद्यालय से खेल दिवस में दो सखी है, निशा है और कल्पना है। कल्पना ने अपनी सखी निशा को पत्र लिखा है। कल्पना, अपने विद्यालय में क्या क्या हुआ है, कौन से गेम्स होते हैं, स्पोर्ट टीचर कैसे हैं, हमारे स्पोर्ट टीचर क्या क्या करते हैं, हमारे और टीचर्स क्या करते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर ने कैसे स्पोर्ट डे मनाया, हमारे यहाँ मुख्य अतिथि कौन थे, यह सब हम इस पाठ में देखेंगे। यहाँ पर लंग लकारे पत्र लेखन। तो ये लंग लकार माने भूतकाल, और भूतकाल हमने देखा है लट लकार और लूट लकार। ठीक है, छठी कक्षा में हम लट लकार के प्रत्यय देखे थे, त ताम अन, सॉरी लट लकार में देखा था ती तह अंति, देखा था ना। तो उसी तरह से लंग लकार है। लंग लकार का मतलब भूतकाल। यहाँ पे इसके प्रत्यय क्या है? त ताम अन, ये प्रश्मय पदी है। ठीक है, हम प्रश्मय पदी देख रहे हैं। एक होता है प्रश्मय पदी और एक होता है आत्मनेपदी, वो आपको एक स्टैंडर्ड से पढ़ना पड़ेगा। उसके भी इसी तरह से नौ नौ प्रत्यय चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है लंग लकार एक वचन त ता अन। आपको लर्न करना है, याद करना है। अपनी नोटबुक निकालिए और नोटबुक में से इसी तरह लिख लीजिए, ताकि आप जल्द से याद कर सके। तो क्या बोलना पड़ेगा? त हल त ताम अन। बोलिए मेरे पीछे पीछे, त ताम अन। उसके बाद में विसर्गतम त, विसर्गतम त। उसके बाद में है उत्तम पुरुष म व म। बोलिए म व म। इस तरह से आपको इसके प्रत्यय लर्न करने हैं। धातु आपको पता है, हमने धातु परिचय देखा है। तो धातु परिचय, धातु माने क्रिया, कोई भी कार्य होना या क्रिया होने को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहा जाता है। तो ये धातु कौन कौन से हैं? बहुत सारे धातु हैं संस्कृत में। लिख, पठ, चल, हस, वद, रुद, खाद, क्रीड, रक्ष, गर्ज, अनंत धातुएं हैं। तो इन धातुओं को हमें ये प्रत्यय लगाने हैं। जैसे हमने लिया पट धातु। ठीक है, अब पट में लंग लकार में हमेशा अ लगता है। क्या लगता है? अ, उसकी विशेष पहचान है कि लंग लकार है मतलब अ लगता है। तो अब हमको भी अ लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा? अ पट त अ पट ताम अ प, ये धन, इस अ में ही आ गया अ प धन। ठीक है, एक पढ़ता है पढ़ा, दोनों में पढ़े सभी लोगों ने,
पड़ा। अब यहाँ पे क्या है, केवल अ लगेगा और केवल है तो आपका अपठ, अपठ तम, अपठ त, ये ऐसे बनेगा अपठ त। अब यहाँ पे अपठाम, अपठाम, यहाँ पे अपठाव, अपठाम, इस तरह से इस धातुओं के हमने रूप चलाए हैं, नौ रूप चलाए हैं। तो आप इसी तरह से धातु के रूप चलाएंगे और आप धातु अपने मन से लिख चल बद कोई भी लीजिए और पांच, कम से कम पांच धातुएं आपको लंग लकार में चलाना है। पहले इसको याद कर लीजिए और फिर इसे इसी तरह चलाकर देखिए। तो आज हम पाठ दो विद्यालय से खेल दिवस शुरू करते हैं। अब आपको अपने हाथ में पेंसिल रखनी है, टेक्स्ट बुक निकालना है और जहां जहां पर लंग लकार है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। प्रिय सखी निशा, प्रिय सखी निशा, प्यारी सखी, प्यारी दोस्त, प्यारी फ्रेंड बोलते हैं ना, तो सस्नेहम नमः। सस्नेहम का अर्थ होता है प्यार भरा नमस्कार, सस्नेहम। केंद्रीय विद्यालय नव दिल्ली, तो जहां पर जाएगा पत्र वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो वहां का एड्रेस दिनांक एकत्र क्या आएगा, सप्तदश, सन कौन सा है, सत्रह। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र माने यहाँ पर, अत्र क्या है अव्यय, अत्र कुशलम, कुशलम माने अच्छा, तत्र अधिक अस्तु यहाँ पर दिया गया है तत्रास्तु, यहाँ पे संयुक्त शब्द है, संयुक्त शब्द में क्या है तत्रास्तु, तत्र अधिक अस्तु, इस तरह में अ छुपा हुआ है, इस तरह में अ है, पढ़ते समय में क्या पढ़ना है तत्र अस्तु, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है और वहां भी होगा, तत्र माने वहां पर, अत्र माने यहाँ पर, तो वहां भी सब कुछ अच्छा होगा। तव पत्रम प्राप्तम, तव माने तुम्हारा, तव क्या है अंडरलाइन करिए वहां पे, तव युष्मत शब्द है, युष्मत शब्द में षष्ठी एक वचन, तव, तव माने तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, राही रे, तव पत्रम प्राप्तम, तुम्हारा पत्र मिला, इदं ज्ञात्वा अहं प्रसन्नाः आसम्, इदं ज्ञात्वा यह जानकर, इदं क्या है सर्वनाम है, ठीक है ना, स तौ ते बोलते हैं ना, इसी तरह से इदं, इदं माने यह, ज्ञात्वा, ज्ञा प्लस तत्वा, क्या है यहाँ पे ज्ञा, ज्ञा प्लस तत्वा, अत्य क्या है त्वान्त प्रत्यय है, अंत में क्या लग गया है त्वा, इस तरह से क्या हो गया है त्वान्त प्रत्यय, ज्ञात्वा, कृत्वा, खादित्वा, पीत्वा, जिस जिस शब्द के अंत में त्वा आता है उसे वो त्वान्त प्रत्यय कहते हैं। प्रसन्ना आसम, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, त्वम मम विद्यालय से खेल दिवस से विषय ज्ञातुम इच्छसि, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे विद्यालय के खेल दिवस के बारे में जानना चाहते हो, इच्छसि, सी आया है, सी मतलब लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन, अंडरलाइन करिए वहां पर, उसके नीचे लिखिए इच्छसि मध्यम पुरुष एक वचन, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे विद्यालय के खेल दिवस के बारे में जानना चाहती हो, ज्ञातुम इच्छसि, ज्ञातुम, तुमंत प्रत्यय आ गए इसमें, देखिए ज्ञातुम, अंत में क्या मिला है तुम, ये क्या हो गया तुमंत प्रत्यय, तुमून प्रत्यय, अंत में जिसके तुमून मिलता है उसे क्या कहते हैं तुमून प्रत्यय। प्रतिवर्षम फरवरी मासे, प्रतिवर्षम माने एवरी ईयर, प्रतिवर्षम फरवरी मासे, फेब्रुवरी मंथ में, मास माने मंथ महीना, फेब्रुवरी महीने में अस्माकं विद्यालय खेल दिवसस्य आयोजनं भवति, क्या है पर हर प्रत्येक साल में फरवरी महीने में अस्माकम, अस्माकम क्या है षष्ठी बहुवचन, अस्मत् टेबल की षष्ठी बहुवचन, अस्माकम विद्यालय, विद्यालय क्या है पुल्लिंग शब्द है और विद्यालय में कौन सी विभक्ति लग गई सप्तमी एक वचन, अंडरलाइन करिए वहां पर विभक्ति वचन लिखिए, अस्माकम विद्यालय खेल दिवस से आयोजनम भवति, आयोजन होता है उसकी प्लानिंग होती है, भवति, भवति के नीचे अंडरलाइन करिए वहां पर है भू धातु, भवति लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भवति। अस्मिन् वर्षे प्रातःकाले एव सर्वे छात्राः श्वेतवस्त्रैः सज्जिताः क्रीडाक्षेत्रम् आगच्छन्,
अस्मिन् वर्षे, अस्मिन् सप्तमी एकवचन, अस्मिन् वर्षे इस वर्ष में, अस्मिन् इस वर्ष में, अस्मिन् शब्द है ना आपके पास, अस्मिन् क्या है संधि युक्त शब्द है। अस्मिन् वर्षे प्रातःकाले अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह में क्या हुआ, एव मारे, एव क्या है अव्यय, अंडरलाइन करिए, एव अव्यय है। अर्ली मॉर्निंग इस वर्ष में सुबह सुबह ही सर्वे छात्रा सभी विद्यार्थी श्वेत वस्त्र सज्जिता, श्वेत माने सफेद रंग के कपड़े पहनकर, श्वेत वस्त्र है सज्जिता क्रीड़ा क्षेत्र आगच्छन, क्रीड़ा के क्षेत्र में खेल के मैदान में आ गए थे। आगच्छन, अब अंडरलाइन करिए, अब देखिए आगच्छन में कौन सा धातु है, गच्छ, गच्छ धातु में क्या लग गया है, पहले देखिए अपनी टेक्स्ट बुक, उसमें अ लग गया है, अ लग गया मतलब कौन सा हो गया ये भूतकाल, और उसमें प्रत्यय क्या लगा अन, हमने क्या कहा त ता अन, यहाँ पर क्या है अगच्छन, तो ये क्या हुआ प्रथम पुरुष बहुवचन, आपको लिखना पड़ेगा प्रथम पुरुष बहुवचन अगच्छन। सर्वप्रथम द्वादश कक्षाया, सबसे पहले सर्वप्रथम, सबसे पहले द्वादश कक्षाया, द्वादश माने 12, द्वा माने दो, दश माने 10, सबसे पहले बारहवीं के छात्रों ने क्या किया, मुख्य अतिथि स्वागतम अकुर्वन, मुख्य अतिथि का, मुख्यातिथि यहाँ पे संधि युक्त शब्द है, कैसे आएगा मुख्य प्लस अतिथि, यहाँ देखिए इनवर्टिंग बैकवर्ड, मुख्यातिथि ही मुख्य अधिक अतिथि, रीडिंग करते समय यहाँ पे अ लगाना है, मुख्य अतिथि सबसे पहले बारहवीं के, बारहवीं कक्षा, कक्षाया कौन सी विभक्ति हो गई, कौन सा वचन हो गया, कौन सा लिंग हो गया कक्षाया, चलिए बनाइए कक्षाया, आपको दिखाई देगा यहाँ पे कक्षाया, तो सबसे पहले हमको देखना है कक्षा, मूल शब्द क्या है कक्षा, तो कक्षा क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, इसके कक्षा के अंदर क्या आया आ, ये हो गया स्त्रीलिंग स्त्रिया, मैंने आपको स्त्रीलिंग के भी शॉर्ट फॉर्म सिखाए थे म या यही याहा याहा या, तो यहा क्या है पंचमी षष्ठी एक वचन, पंचमी षष्ठी एक वचन कक्षाया, तो काकी के, तो सर्वप्रथम द्वादश कक्षाया, सबसे पहले बारहवीं के छात्रों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया अकुर्वन, फिर से आ गया अकुर्वन, कुर्व धातु है, कुरु धातु है, कुरु में लग गया है अकुर्वन, प्रथम पुरुष बहुवचन, देखिए वहां पर नीचे अकुर्वन प्रथम पुरुष बहुवचन। खेल मंत्री महोदय मुख्य अतिथि आसित, खेल मंत्री महोदय कौन थे उस समय, इनके मुख्य अतिथि थे, यहाँ पर संयुक्त शब्द में मुख्यातिथि ही, तो मुख्य प्लस अतिथि, जो खेल मंत्री महोदय, महोदय का अर्थ होता है मिस्टर, आशय महोदय होता है, यहाँ पर है खेल मंत्री महोदय मुख्य अतिथि ही आसित, आसित माने थे, प्रथम पुरुष एक वचन, एक ही वचन है ना, सह ध्वजारोहणम कृत्वा, सह सह माने वह, प्रथम पुरुष एक वचन, सह तौ ते, सह क्या है सर्वनाम, सह ध्वजारोहणम कृत्वा, ध्वजारोहणम ध्वजारोहणम यहाँ पे संयुक्त शब्द है, ध्वजा प्लस आरोहणम फड़काना झंडा फहराना, उन्होंने क्या किया ध्वजारोहणम कृत्वा, त्वांत प्रत्यय है कुरु धातु है, कुरु धातु में त्वा लग गया, इसका मतलब कृत्वा त्वांत प्रत्यय, उन्होंने क्या किया खेल ज्योति च प्रज्वल्य, खेल की ज्योति होती है ना मशाल होती है जो पूरे स्पोर्ट जो हमारे पूरे खेल के मैदान में उसको लेके दौड़ते हैं, यहाँ पर है उन्होंने खेल ज्योति च प्रज्वल्य माने जलाकर, खेल दिवस से उद्घाटन अकुरुत, खेल दिवस से खेल दिवस का उद्घाटन किया, उसे आरंभ किया, उसकी शुरुआत की अकुरुत, तो अन अकुरुत प्रथम पुरुष एक वचन, किसने किया मुख्य अतिथि ने, खेल मंत्री कौन थे मुख्य अतिथि, तो एक वचन है इसलिए यहाँ पर आया अकुरुत, अकुरुत के नीचे अंडरलाइन करिए, वहां पर लिखिए प्रथम पुरुष एक वचन अकुरुत, ठीक है, एक बार हम इसे संस्कृत में पढ़ लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए, प्रिय सखी निशा सस्नेहं नमः, अत्र कुशलं तत्रास्तु, तव पत्रं प्राप्तम् इदं ज्ञात्वा अहं प्रसन्नाः आसम्,
विद्यालयस्य खेल दिवसस्य विषये ज्ञातुम् इच्छसि। प्रतिवर्षं फरवरी मासे अस्माकं विद्यालये खेल दिवसस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् वर्षे प्रातःकाले एव सर्वे छात्राः श्वेतवस्त्रे सज्जिताः क्रीडाक्षेत्रम् आगच्छन्। सर्वप्रथमं द्वादशकक्षायाः छात्राः मुख्यातिथेः स्वागतम् अकुर्वन्। खेलमन्त्री महोदयः मुख्यातिथिः आसीत्। सः ध्वजारोहणं कृत्वा खेलज्योतिं च प्रज्वाल्यः खेल दिवसस्य उद्घाटनम् अकरोत्। यहाँ पे हमने दो स्टैंजा देखा। अब ये दो स्टैंजा आपको रीडिंग करनी है, घर पर पढ़ना है और आपको इसे इसके इसमें से लंग लकार ढूंढ ढूंढ के नोटबुक में लिखने हैं। आप अपना पीएच नोट कर लीजिए। आपका पीएच है इस तरह से, आपको लंग लकार में धातु पकड़ लिया तो आप धातु लिख और चला चलाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर पीएच करके आएंगे और इसे रीडिंग करेंगे। 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसे रीडिंग करिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। एक एक शब्द की विभक्ति, वचन, अव्यय, संधियुक्त शब्द, धातुएं सब लिखिए, निकालिए नोटबुक में। आप इसमें मेंशन करते चलिए। अपना पीएच नोटबुक कर लीजिए। धन्यवाद। हम पुनः मिलाकर।